नमस्कार दोस्तों, ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। एक गांव में एक बूढ़ी दाईमा रहती थी। दाईमा अपने काम में इतनी होशियार थी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। दाईमा मथुरा शहर के पास छोटे से गांव की रहने वाली थी। बचपन में ही दाईमा के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस दुनिया में दाईमा का केवल एक छोटा भाई था। दाईमा ने अपने छोटे भाई को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब आदमी बना दिया था। दाईमा ने अपना सारा जीवन अपने छोटे भाई को समर्पित कर दिया था। सही समय देखकर दाईमा ने अपने छोटे भाई का अच्छे परिवार में विवाह कर दिया। दाईमा अपने काम में इतनी होशियार थी कि उनके गांव और आसपास के गांव में उनका नाम और सम्मान था। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। लड़का पैदा हो या लड़की, दाईमा को सब दिल खोल कर उपहार दिया करते थे। छोटे भाई की शादी के बाद दाईमा के दुख के दिन शुरू हो गए। छोटा भाई अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। जैसा उसकी पत्नी कहती वह वैसा ही करता था। उसकी पत्नी दाईमा को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वह दाईमा से बहुत नफरत करती थी। वह अपने पति की संपत्ति में दाईमा को हिस्सा नहीं देना चाहती थी। दाईमा कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए वह जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा के कृष्ण मंदिर में जाती थी और जन्माष्टमी के दूसरे दिन घर आती थी। इसी बात का फायदा उठाकर दाईमा का छोटा भाई अपनी पत्नी के कहने पर गांव की सारी संपत्ति और बड़ा मकान बेचकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। जब दाईमा वापस आती है तो पूरा गाँव मिलकर दाईमा को एक छोटा सा मकान बनाकर रहने के लिए दे देते हैं, क्योंकि सभी दाईमा का बहुत सम्मान करते थे। दाईमा के लिए कभी किसी के घर से खाना आता तो कभी किसी के घर से। दाईमा बूढ़ी होने लगी थी, इस वजह से बीमार रहती थी। दाईमा के जीवन में बहुत अकेलापन हो गया था। एक गिलास पानी पीने तक के लिए दाईमा को दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ने लगी थी। एक बार सर्दी की रात दाईमा का कोई दरवाजा खटखटाता है। दाईमा जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, एक आदमी उनके पैरों में गिर जाता है। बोलता है, दाईमा मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, आप मेरी पत्नी की जान बचा सकती हो। दाईमा बीमार थी फिर भी उस पर तरस खाकर उसके साथ चल देती है। उस आदमी की पत्नी दाईमा की सहायता से एक बहुत सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। वह आदमी बहुत खुश होकर दाईमा को बहुत सारे उपहार देता है और पैसे भी देता है और बोलता है, दाईमा आज की रात मैं आपके लिए दावत करूंगा और सुबह जल्दी आपको गांव छोड़ दूंगा। उसी रात उस आदमी के आंगन के कोने में एक कुत्ती ने सुंदर बच्चों को जन्म दिया। उन बच्चों में एक बच्चा बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल काले रंग का। दाईमा को कुत्ते का बच्चा बहुत पसंद आता है और उस आदमी से बोलकर उस कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए अपने घर ले जाती हैं। उस कुत्ते के बच्चे का नाम शेरू रखती हैं। देखते देखते शेरू कुत्ता बड़ा हो जाता है। पूरे गांव और आसपास के इलाके में शेरू कुत्ते जैसा मजबूत हट्टा कट्टा कुत्ता नहीं था। गाँव के लोग भी शेरू कुत्ते को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि शेरू कुत्ता गाँव की गाय भैंसों को चुगाने ले जाता था और शाम को इकट्ठा करके उनको घर लाता था। और गांव में शेरू कुत्ते की वजह से कोई चोर भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। किसी खूंखार जंगली जानवर को भी शेरू गांव में घुसने नहीं देता था। शेरू कुत्ते की वजह से दाईमा के जीवन का अकेलापन दूर हो गया था। दिवाली का त्योहार था। दाईमा के मन में शहर घूमने और शहर से कुछ सामान लाने का विचार आया। दाईमा और शेरू कुत्ता जैसे ही शहर पहुंचते हैं, शहर में एक स्थान को पुलिस और सेना ने घेर रखा था, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने एक बस के यात्रियों को बंदी बना रखा था। आतंकवादियों की मांग थी अपने साथी को छुड़वाने की। भीड़ देखकर दाईमा और शेरू कुत्ता भी देखने लगते हैं। बस में से एक महिला दाईमा को आवाज लगाती है, दीदी हमारी जान बचा लो। फिर एक आदमी दूसरी खिड़की से निकलकर आवाज लगाता है, मेरी प्यारी बहन, मेरी
और मेरी पत्नी की जान खतरे में है, हमें बचा लो। तो तेज तेज रोने लगता है। शेरू कुत्ता यह सब देख रहा था। वह समझ जाता है यह कोई दाइमा का प्यार करने वाला है और हमारा ही सगा संबंधी है। इसलिए शेरू कुत्ता बिना सोचे समझे उन आतंकवादियों पर हमला कर देता है। शेरू कुत्ता चतुर, निडर और ताकतवर था। वह उस आतंकवादी पर हमला करता है जिसने ड्राइवर को बंदी बना रखा था। फिर दूसरे आतंकवादियों को धराशाही कर देता है। दो आतंकवादियों को मौका देखकर पुलिस और सेना पकड़ लेती है और सारे आतंकवादी पकड़े जाते हैं। बस को मुक्त करा देते हैं। बस के अंदर जो औरत और आदमी थे वह दाई माँ का छोटा भाई और उसकी पत्नी थी। छोटा भाई और उसकी पत्नी दाई माँ के पैर पकड़ लेते हैं और माफी मांगते हैं। दाई माँ उनको माफ कर देती है। जनता पुलिस के बड़े अफसर और सेना शेरू कुत्ते की बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं। उसको सरकार की तरफ से उपहार दिलवाते हैं। जनता, मीडिया, पुलिस और सेना की सिफारिश पर शेरू कुत्ते को पुलिस में सरकारी नौकरी मिल जाती है। दाइमा अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान को धन्यवाद बोलती है। शेरू कुत्ते को जब महीने में तनख्वाह मिलती थी तो वह अपनी दाइमा को साथ लेकर जाता था। दाइमा की साड़ी पकड़कर पुलिस के बड़े अफसरों के सामने कर देता था। पुलिस के अफसर समझ गए थे शेरू कुत्ता अपनी तनख्वाह दाइमा के हाथ में रखना चाहता है। दाइमा समझदार और बुद्धिमान थी। शेरू कुत्ते की तनख्वाह से पैसे बचाकर वह पहले एक गाय खरीदती है, फिर दूसरी। धीरे धीरे उनके पास बहुत सी गाय हो जाती हैं। दाइमा गाय का दूध बेचने का धंधा शुरू कर देती है। दूध का धंधा इतना बढ़ जाता है कि उनका डेयरी फार्म बन जाता है। जो भी पैसा आता था दाइमा उसमें से आधा गरीबों को खाना खिलाने में, लड़कियों की शादी में और अनाथ आश्रमों में दान कर देती थी। दाइमा ऐसे ही धर्म पुण्य के काम करती थी। अब दाइमा के जीवन में कृष्ण भगवान की वजह से और शेरू कुत्ते के प्यार की वजह से नई खुशियां और नई ताजगी आ गई थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। सभी को उनके कर्मों का फल जरूर देता है। जय श्री कृष्णा। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।